समस्त विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम ले रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर में पेपर सेकंड अवकल समीकरण। तीन चार प्रश्न अभी हमारी हो चुकी थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समभार अवकल समीकरण में समानयन होने वाले समीकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा, रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर y, इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y और इसके अवकलन गुणांक, यानी कि इसका अवकलन गुणांक क्या होगा, dy / dx, एक बार अवकलन करेंगे तो dy / dx आएगा, और इसके अवकलन गुणांक प्रथम कोटि में हो तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। और इन समीकरणों का मानक रूप जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि dy / dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। देखिए, हमारे जो समीकरण की फॉर्म बनेगी, जो मानक रूप है वो ये बनेगा। यानी सवाल को आपको dy / dx में सेट करना है, y के साथ में px रहेगा। px का मतलब है कि x वाला कोई भी पद यहां पर हो सकता है, जैसे sin x, cos x, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x वाला टर्म्स होगा और उसके साथ में रहेगा y इज इक्वल टू qx। qx का मतलब है कि इधर जो पद आएगा वो भी x का पद होगा और उसको हम q नाम देंगे। फिर से सुन लें, y का अवकलन गुणांक एक बार रहेगा dy / dx, y वाले टर्म्स के साथ x वाला कोई पद होना चाहिए और इक्वल टू में x वाला कोई टर्म्स होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में हमारा अवकल समीकरण बनता है तो उसे हम कहेंगे रैखिक अवकल समीकरण। फिर अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका मेथड मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग प्रश्नावली का एक सवाल करते हैं, सभी में जो क्रम है एक जैसा रहेगा, एक जैसा है, सवाल को सॉल्व करते जाना है। हाँ, एक बात और, ये रैखिक अवकल समीकरण अभी y चर के लिए है, अगर इसे x में कन्वर्ट किया जाए, जैसे y और x अपना स्थान बदल दें, जैसा पिछले समघात अवकल समीकरण में भी हुआ था, तो इसमें इसकी फॉर्म क्या बनेगी, dx / dy प्लस p y वाला टर्म से यहां पर आ जाए और उसके साथ में x वाला पद रहेगा और इधर भी y। तो इन्होंने क्या करा, आसन चरों ने अपना क्रम बदल दिया, तो ये भी रैखिक अवकल समीकरण ही माना जाएगा। ये भी रैखिक अवकल समीकरण, ये भी रैखिक अवकल। अब आपको प्रश्नावली में सवाल को चूज करना होगा कि वो इस फॉर्म में बदलना है या फिर इस फॉर्म में बदलना है। इस फॉर्म में अगर बदला तो आपके पास dy / dx बनेगा, साथ में y रहेगा, y के साथ में x वाला पद आएगा और इक्वल टू में फिर x वाला पद आएगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें dx / dy की फॉर्म बनी है, x के साथ में y वाला पद रहेगा और इक्वल टू के बाद भी y वाला पद। अच्छा, इसकी कोई निश्चित पहचान नहीं है कि ये बनेगा या ये बनेगा। आपको दिया गया समीकरण जो है उसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो या इस रूप को धारण करेगा या फिर इस रूप को धारण करेगा। जबरदस्ती आपको, जबरदस्ती वो सेट नहीं होगा, जैसे आप सोचें कि वाई नहीं सेट करें, वो वही नहीं सेट, तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये सवाल एक्स में कन्वर्ट होगा। आपको तो इस फॉर्म में लाना है सवाल को सबसे पहले। अगर इस फॉर्म में नहीं बनता है तो आपको फिर ये वाली फॉर्म बना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
हम सवाल करके देखते हैं प्रश्नावली के, उसमें मैं कंफर्म करूंगा ये पी क्या चीज है, क्यू क्या चीज है, ये टर्म्स कैसे बनेगा या फिर ये टर्म्स कैसे बनेगा। इस टाइप के दोनों टाइप के सवाल आपको प्रश्नावली में दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के, कुछ सवाल लेते हैं हम। बड़ी सिंपल सवाल हैं और एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे की बुक में हम आगे के जो सवाल पढ़ेंगे, जैसे द्वितीय कोटि तृतीय कोटि, आगे के भी जो सवाल पढ़ेंगे पी के लिए सॉल्व होने वाले, क्यू के लिए सॉल्व होने वाले, उनमें रैखिक अवकल समीकरण का उपयोग कई जगह होगा, इसलिए इसे ध्यान से। मैं इसका मानक रूप इधर लिख देता हूँ साइड में, ताकि आप लोग इस पर टैली करते हैं, या लिख देता हूँ इसका मानक रूप क्या है, dy upon dx plus pxy is equal to qx। पहले हम इसके रूप में सेट करेंगे, अगर ये नहीं हुआ सेट तो फिर मैंने बताया था इसको कन्वर्ट कर देंगे x और y। अब हम प्रश्नावली ले रहे हैं, फर्स्ट ई हमारी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली फर्स्ट रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से। अब मैं प्रश्नावली के कुछ सवाल दे रहा हूं, सबसे पहले ले रहा हूं मैं सेकंड नंबर का सवाल। सवाल है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इजिकल टू y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x क्यूब log x। ये मैंने प्रश्नावली से दूसरा सवाल लिया है, हम अधिकतर सवाल करेंगे लेकिन कुछ सवाल जो सेम रहेंगे वो आप लोगों को होमवर्क में दिया जाए। तो ये सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, अभी तो प्रश्नावली के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, लेकिन यही सवाल जब एग्जाम में आएगा तो वहां लिखा नहीं आएगा कि रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व, वहां केवल इतना लिखा आएगा अवकल समीकरण को सॉल्व। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रैखिक में बदल रहा है या नहीं, तो आपको तो वहां क्रम से चलना पड़ेगा, जैसे पहले टाइप चरों का पृथक्करण क्या हो रहा है, ये चरों का पृथक्करण कर सकते हैं क्या, देख रहे हैं y के साथ में x स्क्वायर मिक्स हो रहा है, y का जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर में तो फंस जाएंगे तो वो अलग नहीं हो पाए, यानी चरों का पृथक्करण इसमें नहीं रहेगा। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था समघात अवकल समीकरण, तो समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो रहा है क्या, ये dy / dx की फॉर्म होती थी सम, इसको हम नीचे ले जा रहे हैं, इसको जब नीचे ले जा रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ log x है, log x ये तय करने नहीं देगा कि x की घात कितनी है, अगर x की घात को भी हम देखें तो यहाँ पर देखिए y वाला टर्म्स मिक्स है, ये नीचे जाएगा तो ये समघात शायद नहीं बन रहा। अब समघात में अगर कोई सवाल कन्वर्ट नहीं होता तो आपको पता है y is equal to bx पुट करते हैं, लेकिन आप जब y is equal to bx इसमें पुट करेंगे ये सवाल सेट नहीं होगा, कोशिश करें एक बार सेट करने की लेकिन ये सवाल सेट नहीं होगा। तो उस चीज में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे रैखिक अवकल समीकरण की तरह सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे ये दिख रहा है कि y का अवकल गुणांक प्रथम कोटि में लिखा हुआ है, दूसरा y वाले टर्म्स के साथ में x वाला टर्म्स होना चाहिए, तो y वाले के साथ में x वाला टर्म्स हमारे पास लिखा हुआ है, इजिकल टू के बाहर qx, यानी x वाले टर्म्स, केवल x वाले टर्म्स। तो देखिए ये x वाला टर्म्स पूरा, और यहां से भी ये वाला जो आएगा इसके अपॉन में अगर मान लीजिए आता तो वो भी x वाला टर्म्स, यानी बराबर के उधर y वाला टर्म्स नहीं होना चाहिए, और y का टर्म्स हमारे पास एक ही होना चाहिए जिसके साथ में
एक्स वाला कोई टर्म्स लिखा हो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स का टर्म्स लिखा हो, कभी कभी इस टाइप से भी सवाल बन जाता है कि उसके साथ में एक्स का टर्म्स ना हो तो हम उसे एक्स की पावर जीरो नाम दे देंगे। ठीक है, एक्स की पावर जीरो का मतलब है अपन, तो हम वैसे ज्यादातर सवालों में आपको एक्स का टर्म्स मिले। तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मानक रूप बना लें, इससे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, तो क्या पद बनेगा हमारा, सबसे पहले इसको हटाएंगे अपन, तो ये इसके अपॉन में जाएगा और इसके भी अपॉन में जाएगा, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल y 1 माइनस x अपॉन में क्या आएगा x 1 प्लस x, ये टर्म्स प्लस इधर क्या आएगा x क्यूब log x और उसके अपॉन में x 1 प्लस x। तो हमने इधर से ये हटा दिया और अपॉन में ये चीज पहुंच गई। अब कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल, या देखो एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, तो फिर बचा क्या हमारे पास dy अपॉन dx। अब देखिए ये वाला जो टर्म्स है इसको, ये y वाला टर्म्स है, मैं इसकी तरह सेट कर रहा हूं, तो y वाला टर्म्स dy अपॉन dx के साथ में प्लस में रहता, तो मैं इस वाले पूरे टर्म्स को बराबर के इधर ला। ठीक है, तो देखिए ये पूरा टर्म्स इधर आगे का ही का बनेगा माइनस, क्या बनेगा माइनस का y 1 माइनस x अपॉन x 1 प्लस x। बड़े आराम आराम से करते जाएं इक्वेशन को, क्योंकि सभी सवालों का एक जैसा नियम रहेगा, एक ही तरह से ये सॉल्व होते जाते हैं, बड़े सिंपल सवाल होते हैं। इज इक्वल टू उधर x से x कैंसिल कर रहा हूं तो क्या आएगा x स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस x। चलिए अभी हमारा सवाल कुछ कुछ सेट हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि y वाला टर्म्स जो है उसके साथ x वाला टर्म्स होना चाहिए, वो भी प्लस में, तो हम क्या कर रहे हैं इसको प्लस में सेट कर रहे हैं, कैसे dy अपॉन dx। देखो ये 1 माइनस x स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस वाला टर्म्स का क्या बन जाएगा प्लस, तो फिर बचेगा क्या, ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस x y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस x। तो देखिए अब हमने इसको लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में बदल दिया है, रैखिक अवकल समीकरण का ये रूप बन चुका है। देखिए dy अपॉन dx dy अपॉन dx प्लस प्लस p रहेगा x वाला टर्म्स, ये p वाला जो x का टर्म्स ये p हो गया पूरा, उसके बाद y मेरा y इजिकल टू qx, q है x वाला टर्म्स पूरा, तो ये देखिए इसमें कहीं पर भी y नहीं है, ये पूरा x वाला टर्म्स। तो हमने इसको रैखिक अवकल समीकरण में बदल दिया, अभी सॉल्व नहीं किया, अभी हमने केवल सवाल को सेट किया है और सेट करके हमने उसको लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदल दिया। अब बात यह है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे की विधि क्या है, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो एक बार फिर से मैंने सवाल को जो सेट किया उसे देख लें ताकि मैं इसको मिटा सकूं और फिर आगे बढ़ सकते। देखिए सबसे पहले हमें dy अपॉन dx की फॉर्म निकालनी है, सवाल अपने आप सेट होगा, आपको केवल कैलकुलेशन करना है, इसको आपने यहाँ से हटाना है क्योंकि dy अपॉन dx से स्टार्ट है हमारे रैखिक अवकल, हमने यहाँ से हटाया अपॉन में पहुंचा, अपॉन में पहुंचा के हम y वाले टर्म्स को बराबर के इधर, इसका निशान चेंज किया बराबर के इधर, x वाले टर्म्स अपने आप उधर, इसको माइनस में से हटाकर हमें प्लस में सेट करना था, हमने
इसके साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए, तो ये प्लस का सेट हो गया, इक्वल टू बनी। यानी हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, देखिए जरा ध्यान से, dy / dx + pxy = qx। यानी अब गौर से देखिए, ये तो बन गया हमारे पास q, ये तो क्या बन गया q, ये क्या बन गया हमारे पास p, ये क्या बन गया हमारे साथ p, ये p है, ये q है, और ये dy / dx। अब हम रैखिक अवकल समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे की मेथड क्या, कैसे अवकल समीकरण सॉल्व होगा, अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, केवल सवाल को सेट। देखिए अब आगे की विधि, मैं क्वेश्चन बता, अब थोड़ा गौर से देख, तो हम यहां अलग से लिख रहे हैं कि p हमारे पास क्या मौजूद है, p हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और 1 प्लस x, यह हमने p लिख दिया। ये वाला जो टर्म्स है y के साथ में जो टर्म्स है वो पूरा क्या है, p है, और बराबर के उधर जो टर्म्स है वो क्या रहेगा, वो q रहेगा। तो q हमारे पास क्या है, x स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x बटे 1 प्लस x, ये हमने q को रखा, ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने केवल रैखिक अवकलन को सेट किया था और p और q के मान निकाल लिए, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो प्रश्नावली से पहले कुछ थ्योरी दी हुई है उसको पढ़ेंगे, ताकि आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए ये थ्योरी है पेज नंबर 23 पर प्रश्नावली में, और वहां पर रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा लिखी हुई, और उसके साथ में कोई समाकलन गुणांक हम उसमें यूज करते हैं जिसका जिसकी डेफिनेशन वहां पर दी हुई है, और उसका क्रम दिया हुआ है कि सवाल को कैसे सेटअप करना है। अब मैं आप लोगों को सीधा बता रहा हूं, पढ़ने परिभाषा को पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको सब समझ में आएगा कि सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर, उसे दर्शाते हैं हम आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले समाकलन गुणांक निकाला जाता है, और उसका सूत्र होता है, ध्यान से देखें, आई एफ इक्वल टू, सभी सवालों में निकालना है आपको समाकलन, सभी का सूत्र सेम रहे, तो समाकलन गुणांक का सूत्र है ई की पावर, ध्यान से देखें, समाकलन पीडीएक्स। ये क्रम चल रहा है, ये क्रम है सवाल को सॉल्व करने का, इस क्रम को आपको ध्यान रखना, समाकलन गुणांक निकालेंगे और उसका सूत्र क्या है, e की पावर समाकलन pdx। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा हमारा, आई एफ। तो सॉल्व करते हैं इसको, इजिकल e p, p का मतलब है x स्क्वायर माइनस 1 x 1 प्लस x, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, यानी सबसे पहले आप समाकलन गुणांक निकालेंगे, और समाकलन गुणांक का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, समाकलन को सॉल्व करना है। समाकलन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई एफ मिले, यानी समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर हमें प्राप्त। तो अब पहले इसका इंटीग्रल करते हैं, अब जरा गौर से देखिए, इसका इंटीग्रल थोड़ा टफ हो रहा है, आराम से कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको अलग से लिखता हूं यहां पर, ये हमें इंटीग्रल करना है, ये तो वैसे ही रहेगा, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये है हमारा सवाल, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और 1 प्लस x स्क्वायर,
यह हम सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन के लिए, समाकलन। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था समाकलन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप समाकलन नहीं कर सकते तो आप अवकल समीकरणों को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ऊपर x का घात 2 है जबकि नीचे 3 है, तो सवाल तो क्रम का तो सही है क्योंकि नीचे की घात बड़ी होनी चाहिए ऊपर की घात से बड़ी, यानी भाग तो नहीं जाएगा। फिर क्या करें, कुछ लेट कर दें तो भी हमारे साथ इक्वेशन ना बने क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म से, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्नों से। आंशिक भिन्नों में कैसे सॉल्व करते थे, देखिए इस टर्म्स को सॉल्व करना है, इंटीग्रल बाहर आ रहा है। तो देखो मैं इसको पहले इंटीग्रल हटा, इंटीग्रल अभी हटा रहे हैं, सवाल को सेट कर रहे हैं कि इसको हम किस समाकलन में तोड़ सकते हैं। तो इसे ऐसा दो पद है, देखिए एक्स वाले दो पद है, तो इनको कैसे तोड़ेंगे, एक ही आपको हमने तो हमने लिख दिया एक्स, और इस टर्म्स के लिए लिखा हमने वी एक्स प्लस सी के अपॉन में वन प्लस एक्स। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके 12th में या 11th क्लास में अवकल समीकरण में था, उससे पहले एक आंशिक भिन्न नाम से ये चैप्टर होता है जिसमें एक्स के पदों को तोड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, यानी हमने इसको ऐसे तोड़ दी, तोड़ दिया तो फिर हमें यहाँ पर ए बी और सी के मानों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम निकालते हैं। देखिए आगे इस वाले टर्म्स को तो हमने वैसे ही छोड़ा, और ये आंशिक भिन्न मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, समघात अवकल समीकरण में भी आंशिक भिन्न आए थे। अच्छा इन दोनों का एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए का इसमें होगा तो क्या आएगा, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए का इसमें होगा तो क्या आएगा, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर। बी एक्स का इधर होगा तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाली चीज से नीचे वाली पूरी कैंसिल होगी, तो फिर बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये हमारे पास टर्म्स। अब इनको सॉल्व करने के मैंने आप लोगों को कई तरीके बताए, एक तरीका तो ये बताया था कि एक्स की जगह पर मान रखते जाओ जीरो एक दो तीन जो मर्जी आए लोग। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह पर जीरो पुट करते हैं, पुट एक्स इजिकल टू जीरो, जीरो रख दो सब जगह है, देखो ये जीरो बनेगा सबसे पहले, तो क्या आएगा माइनस का वन इजिकल टू, ये बचा आपके पास क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन। अब आ गई ए की वैल्यू तो आ चुकी है, बी की वैल्यू और निकालनी है, सी की वैल्यू और निकालनी है। किसे मिटाऊं, ए की वैल्यू निकल चुकी है ना, तो मैं इसी को मिटा देता हूं, इस सवाल को मैं यहां से मिटा या लिख देते हैं, ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई माइनस वन, इसको मैं यहां छोड़ देता हूं। अब हमने अभी क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू जीरो, अब हम पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू वन, क्या पुट कर रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो यहाँ वन वन का स्क्वायर वन, वन में से बन गया तो जीरो इक्वल टू, यहाँ ये ए है और ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी आई माइनस वन, तो इसको लिख दो माइनस का वन। या आप एक काम और कर सकते हैं, वो और भी छोटा रहेगा, उससे कर देता हूं इस सवाल को, वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिए क्या करते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है, एक्स वाला भी पद है और कांस्टेंट पद भी, तो कांस्टेंट पद की वैल्यू तो आप निकाल चुके माइनस वन आ चुकी है। अब आप क्या करो, जैसे एक्स स्क्वायर वाले पद है तो लिख दो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, किसकी गुणांकों की तुलना कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर के जो वेरिएबल्स हैं उनको ले रहे हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर का वेरिएबल्स यहां पर क्या है, वन, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल्स कितना है वन, गुणांक कितना एक, तो हमने लिख दिया एक इजिकल,
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है क्या है ए और यहाँ पर है क्या बी, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। ये हमने क्या लिख लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक लिख लिए, एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स हमने ले लिए केवल एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास प्राप्त हुआ वन इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए की वैल्यू आपके पास है माइनस वन तो रख देते हैं, वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस बी, तो ये माइनस का वन इधर आ गया प्लस का वन हो गया तो क्या आ गए टू इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास टू। ठीक है चलिए आगे, अब देखिए हमने x इज इक्वल टू जीरो रख दिया, कांस्टेंट नंबर की वैल्यू आई, x स्क्वायर के वेरिएबल्स की कंपेयर कर दिया तो b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू और बाकी है तो इधर देखें c के साथ में कौन सा टर्म्स है x वाला टर्म्स है तो हम लिख देते हैं x के गुणांकों की तुलना करने पर, यानी x के जो वेरिएबल्स हैं उनको और कंपेयर कर देते हैं, तो यहां करवा रहे हैं कंपेयर, x का वेरिएबल यहां कितना है नहीं तो जीरो, उधर x का वेरिएबल कितना है c है केवल c ले लिया तो c की वैल्यू आ गई जीरो, तो यहां लिख दिया मैंने c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है तो आंशिक भिन्न को सॉल्व करके हमने a b c के मान निकाले, अब ए बी सी के मान क्योंकि हमारे आ चुके हैं तो हमें इनसे कोई लेना देना अब नहीं, लेकिन ए बी सी के मान से ही निकालोगे आप, अब हमारे पास क्या गए ए बी सी के मान, तो यहां पुट कर देते हैं हम, ए का मान कितना आया माइनस का वन अपॉन एक्स, ए की वैल्यू माइनस वन थी माइनस वन, प्लस बी, बी कितना आया आपका टू टू एक्स, और c कितना है आपका जीरो तो c तो हट गया अपॉन में क्या बचा वन प्लस एक्स, ये यानी इस सवाल को आपने ऐसे तोड़ दिया, तो इसको हम कहां रखते हैं यहां रखते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास e की पावर, देखिए इंटीग्रल सबसे पहले इसको हमने कैसे तोड़ दिया ऐसे क्या लिखोगे माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स बटे वन प्लस एक्स ऐसे, और ठीक है इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, अब इसका इंटीग्रल हम लोग कर लेंगे बड़े आराम से, इसका इंटीग्रल हो जाए तो देखें अपन क्या आता है इसका इंटीग्रल करने में, इजिकल देख e माइनस के वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस का लॉग एक्स प्लस, इसका तो माइनस का लॉग एक्स हो गया ना, इसका इंटीग्रल अभी बाकी, इसका इंटीग्रल मैं इधर कर रहा हूं देखो जरा 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx, कैसे करोगे इसको सॉल्व, 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लोगे t, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt, मैं आपको पहले बोल चुका हूं इंटीग्रल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो 2x dx तो क्या हो गया आपका dt by t हो गया ये, और dt by t का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा log t, और log t की वैल्यू रखोगे t की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 1 plus x, तो हमारे पास इंटीग्रल करने पे आया log 1 plus x। ठीक है चल आगे इजिकल e की पावर, ये दोनों टर्म्स log में और log में ये माइनस में, तो log में जो टर्म्स माइनस में होता है वो बटे में आता है, तो क्या बनेगा हमारे पास लॉग बटे में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे में क्या आ गया ये वाला एक्स लॉग ए की वाला क्या है। ठीक है चलिए ई से लॉग कैंसिल होता है आपको पता है ये तो हम 12th क्लास में पढ़ चुके, तो ई से लॉग कैंसिल हो चुका है और हमारा जो बचा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या आ गया हमारे पास समाकलन गुणांक क्या निकल के आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन है। ठीक है इसको मैं राउंड कर देता हूं, तो हमने सबसे पहले क्या किया रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में बदला, p और q की वैल्यू छांटी, समाकलन गुणांक का सूत्र लगाया, सभी सवालों में समाकलन गुणांक का यही सूत्र है e की पावर p को हमें इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करने के बाद अगर कोई टर्म्स कटते हैं तो कट जाएंगे, नहीं कटते तो वैसे ही था रहे,
तो समाकलन गुणांक हमें ये प्राप्त। ये पहला क्रम था, ये पहला क्रम था जिसमें हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो हमने समाकलन गुणांक हमने बड़े आराम से उसको निकाला, इंटीग्रेशन फंक्शन हमें हमारे पास था। अब क्रम आगे बढ़ेगा, अभी एक ही क्रम था, ये इंपॉर्टेंट क्रम था, अब आगे क्या करना है वो देखिए। इसे मैं मिटा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत रहेगी, इसको मैंने लिख लिया अलग से। क्यू की वैल्यू मिटा दी, क्यू की वैल्यू तो इंपॉर्टेंट थी, क्या थी क्यू की वैल्यू, फिर मिटाई थी, आपको सवाल से देखना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू थी हमारे पास, कौन सा सवाल लिया था हमने, दूसरा सवाल लिया था, क्यू की वैल्यू थी यहां से बना लेते हैं अपन सवाल से, एक्स क्यूब लॉग एक्स थी शायद, अपॉन में हम इसको लेके आए थे एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इस वाले टर्म्स को तो हमने माइनस कर लिया था और इसको हम अपॉन में लेके आए थे, अपॉन में लाने के बाद हमने एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया था, तो ये एक्स स्क्वायर ही है ना। चलो तो हमारे पास इंटीग्रेशन फंक्शन आ गया, पी है क्यू है, क्रम को आगे बढ़ा, आगे का क्रम है हमारा, ये फॉर्मूला है आगे के क्रम का, वाई इंटू आई एफ, IF का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन समाकलन गुणांक y के साथ में लेना है, सभी सवाल इज इक्वल टू समाकलन QIF dx और प्लस का, ये हमारा सेकंड क्रम जो हमें आंसर देगा, क्या पहले y लिखना, सभी सवालों को y लिखना, उसके बाद IF, IF का मतलब जो आपका समाकलन गुणांक आया है, इजिकल टू में Q लिखना है, Q का मतलब है Q की वैल्यू लिखना है पूरी की पूरी पूरी, फिर IF लिखना है, IF का मतलब यही वाले टर्म्स को वापस लिखना dx प्लस c। चलिए इसको करते हैं हम आगे के क्रम को सॉल्व, तो हमने लिखा y इंटू IF, IF हमारे पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यह हमने आईएफ ले लिया। अब लेते हैं हम क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमने क्यू की वैल्यू ले ली। अब आईएफ हमारे पास पैसे कितना है उसको ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, सी पे एंट्री करते हैं सी कॉन्स्टेंट, तो क्या बना हमारे पास वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, कुछ कैंसिल हो रहा है इधर से देखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो रहा है, तो फिर बचा क्या हमारे पास एक्स लॉग एक्स डी एक्स और प्लस का क्या बचा सी, ठीक है, मेरा टर्म्स आ गया। अब इसका इंटीग्रल करना है, x log x का इंटीग्रल अपन जानते हैं, फर्स्ट सेकंड में आके करते हैं इसको सॉल्व, तो इधर मैं अपना कर रहा हूं देखो जरा, x log x में फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इसको माने I let का फॉर्मूला ले लेते हैं, I let, तो भाई l पहले आया है a वाले फंक्शनों से, तो log को पहला मानेंगे, तो हमारा इंटीग्रल क्या आएगा देखो इधर, x log dx, क्या करते थे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रल, ये हमारा फॉर्मूला होता, ठीक है, इसे सॉल्व कर लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रल x square y2 minus log x का differentiation 1 upon x, x का integral x square upon b और dx, ये बन गया अपने पास log x square upon 2, sorry log x है
पहले log x है फिर x स्क्वायर, पहले क्या है मेरे पास log x x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इधर देखो x से x कैंसिल हो रहा है तो बल वेक्टर तो हो गया बाहर, बचा क्या x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल फिर से कर दो x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल का साइन इंटीग्रल हमने कर दिया, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल है, इसको यहां चिपका देते हैं, क्या क्या आ जाएगा y टिंक नहीं है यार टिंक y 1 plus x square upon x is equal, इसका इंटीग्रल कितना आया पूरा ये लिख देते हैं अपन, क्या x square log x को मैं पीछे लिख रहा हूं upon 2 माइनस का x square upon 4 2 to the 4 हो गया इंटीग्रल हो गया प्लस प्लस, तो ये हमने इंटीग्रल कर दिया और ये हमारा दूसरा क्रम समाप्त हो गया, यानी हमारा आंसर आ चुका, देखें को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केवल इंटीग्रल ही किया है और हमने ये सेट कर इंटीग्रल यहाँ अलग से करके भी बता सकते हो आप और उसमें भी जोड़ सकते हो, बस उसमें जोड़ने से क्या होगा सवाल बहुत लंबा हो जाए, तो ये काम आप रफ में कर लें और यहाँ चिपका, अब हम आंसर मैच करते हैं क्योंकि वो लोग सवाल को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, वो देखते हैं हम क्या सेट किया, आप मैंने बोला था पहले भी सेट करने में मार्क्स नहीं कटते हैं, तो सवाल दिया है y, आंसर दिया है y 1 plus x square, इन्होंने यहां से x को हटा दिया यानी इसका मल्टीप्लाई उन्होंने इधर कर दिया, तो x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आएगा अपन भी लिख देते हैं स्टेप, एक स्टेप फाइनल आंसर हम भी लिख देते हैं यहां पर, क्या आएगा देखो y 1 plus x और ये x का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये क्या आएगा x क्यूब log x upon 2 x क्यूब upon 4 plus x, और चेक करते हैं आंसर कितना मैच हो रहा है, आंसर आ रहा है y 1 plus x square cx उसमें है x क्यूब log x upon 2, बिल्कुल सही आंसर आया है अपना, देखा आपने इंटीग्रेशन फंक्शन जो है रैखिक अवकल समीकरण जो है बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना रहेगा IF यानी समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर, और उसके बाद सेकंड क्रम क्या था हमारा सूत्र याद रखें YIF is equal to QIF dx plus उस क्रम में हमको आगे बढ़ते जाए और सवाल हमारा सॉल्व हो जाए, तो ये रैखिक अवकल समीकरण का एक सवाल हो चुका, क्योंकि एक पीरियड एक ही सवाल काफी लंबा हो जाता है इसमें और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आज का पीरियड हमारा यही समाप्त होता है, कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे के सवाल लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।